उठे बच चुके हैं और मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। और सुबह उठकर यहाँ पर मुझे पानी पीने में बहुत मज़ा आता है और ये विंटर की मॉर्निंग मुझे तो काफ़ी कूल लगती है। होप सो आप लोग भी जग चुके होंगे। चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। ये है मेरे फ्रेंड का टेबल और ये रहा हमारा। चलिए तो एक डेढ़ दो घंटे जितने भी हो सके। ये देख लो गाइस टाइम 4th of December 6 AM। लेट्स गो। आई थिंक इतना काफ़ी है अभी के लिए। और अभी बज चुके हैं लगभग 7:30। तो एक ब्रेक उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे। 8:05 बज चुके हैं और सारे बर्तन धो दिए, पानी भी भर दिया है और चना भी फूलने दे दिया है। तो इसे यहाँ साइड रख देते हैं। इन बोतलों को अपनी जगह पे पहुँचा देंगे। सारे बेसिन को भी मैंने साफ कर दिया है। अब इन बोतलों को उनकी जगह पर पहुंचा देते हैं। तो ऑलमोस्ट किचन का तो लगभग सारा काम हो चुका है। हाँ, कूड़ा का डब्बा है जो थोड़ी देर में भी आने वाला है तो फेंक देंगे। और देखते हैं 8 बजे सुबह का बालकनी का माहौल। तो आज भी काफ़ी अच्छा धूप हो चुका है और कूड़ा वाला भी जल्दी आने वाला होगा। ठीक है, तब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर, जहाँ पर अभी मैं 8 से लगभग 10 बजे तक पढ़ने वाला हूँ। तो मिलते हैं लगभग 1.5 या 2 घंटे तक की पढ़ाई के बाद। सी यू सून। सो इट्स 9:30 एंड आवर सेकेंड सेशन ओवर। और इसी के साथ हमारा अभी तक 3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तो लगभग दोपहर के 2 बज चुके हैं और अब तक का मेरा 4.5 घंटे का पढ़ाई हो चुका है। नहा के मैं हो चुका हूँ तैयार और अब खाना बनाने की बारी है। तो सोया चंक्स रेडी है, चावल भी चढ़ चुका है और आलू बॉयल हो चुका है, प्याज भी कट चुका है। अब थोड़ा मसाला का इंतजाम करना है और कुछ सब्जी काटना है। उसके बाद फिर हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी और चावल। कोई स्वाद नहीं लग रहा है, बताओ। इतना मेहनत और इतना मटेरियल होने के बावजूद।